हम लोगों से कहते हैं मोदी जी के ये कहां से आ गए गंदे लोग, इन्हें भगाओ, इनमें से बदबू आती है, इनमें के पसीने में से बदबू आती है। तो भाई मोदी जी हमारा पैदा किया हुआ रोटी काय को खाते हो, उसमें से नहीं आती बदबू? गेहूं क्यों खाते भाई? 70 लाखों की तादाद में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा मर रहा है किसान दिल्ली के सरहदों पर, और मोदी जी 30 तारीख में बनारस में जाकर नाच देख रहे हैं। कहा बताए इतिहास के अंदर कि रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान क्यों बैठे हो? किसान जो है वो अन्नदाता, और दाता जो होता है जो देता है। हम जीवन देते हैं, अन्न देते हैं लोगों को, और हमारे जो घरों में महिलाएं वो अन्नपूर्णा है जो सबको भोजन देती हैं। इसलिए हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हम अपने आप को कष्ट दे करके सरकार को झुकाएंगे। हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, नंगे रहेंगे, खुले आसमान के नीचे ठंड में रहेंगे, कड़कड़ाती ठंड में रहेंगे, अपने अपने आप को मार के, और तब इन लोगों की आंखें खोलेंगे, चाहे हमें अपने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों ना करना पड़े। सरकार तो बैठक कर रही है किसानों के साथ, लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा। वो सरकार कैसी वार्ता कर रही है आपको पता है? 5 वार्ता हो रही और अभी निकला क्या है? अभी कुछ ना निकला, अभी दूध में नींबू निचोड़ रहे हैं बस, न वो दूध बच रहा ना कुछ हो रहा मामला, तमाशा कर रहे हैं केवल। भाग दौड़ हो रही है दिल्ली में, कृषि मंत्री गृह मंत्री के घर, गृह मंत्री जेपी नड्डा के घर, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के घर, बंदर वाली उछल कूद कर रहे हैं। नतीजा 0/10, सन्नाटा कुछ नहीं है, सफेद रकत है बिल्कुल, कुछ भी नहीं। भाई किसान को तो मत तो वार्ता करो, मत किसान को बुलाओ, मत दिल्ली में बुलाओ, मत कृषि मंत्रालय में बुलाओ। किसान को कोई शौक ना इनकी शक्ल देखने का है, ना इनके साथ फोटो खिंचवाने का है, और ना इनके साथ रिश्तेदारी करनी है। किसान है, हमारी तो मांग पूरी कर दो, अभी चले जाएंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ने लेकर घर को। हमें दिल्ली में जाकर के कोई ज्यादा वहां के प्रदूषित हवा में सांस लेने का कोई ज्यादा आनंद ना, हमें बढ़िया अपनी ताजी हवा खाएंगे गाँव में जाकर के। कल भैंस के घर बीन बजाएंगे, भैंस आएगी बीन आएगी और भैंस के आगे बीन बजाएगी भारतीय किसान लोग सकते। इसी जगह पे भैंस के आगे बीन बजेगी। आज आप लोग का आंदोलन शुरू कैसे हुआ था? आंदोलन आज जो हमेशा से शुरू है, जब से यहाँ बैठे हैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे, भारतीय 2 तारीख से भारतीय किसान लोक शक्ति परमानेंट बैठी हुई है यहाँ पर। 4 तो उसके बाद हमें गिरफ्तार करके यहाँ एसआई जेल में रखी है। ऐसा जी बैरिकेटिंग 2 तारीख को हमारा यहाँ पूरी बड़ी सभा जुलूस आया था पूरा का पूरा सलारपुर अंडर पास धनकौर से चल करके कई जिलों का, और यहाँ महामाया पे 2 बैरिकेटिंग तोड़ करके तब यहाँ जो 3 लेयर की बैरिकेटिंग पे पुलिस ने हमको रोका और यहाँ धरना देने के लिए फिर हमसे निवेदन किया पुलिस ने, तो हमने यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। उसी से रात दिन का धरना बराबर चल रहा है हमारा, और जो सरकार है वो भैंस बन चुकी है और किसान जो है वो बीन बजा रहा बेचारा, लेकिन भैंस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कल 2 बजे यहाँ जो है भैंस के आगे बीन बाजेगी आकर के। और अगली बात ये, अभी तरीके शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, 9 तारीख तक यदि कोई समाधान सरकार ने नहीं दिया तो अब की जो 26 जनवरी होगी उस पे जो परेड होगी राजपथ पे, वो टैंकों से नहीं होगी, किसानों के ट्रैक्टरों से होगी। ट्रैक्टर करेगा परेड, अब की बार जवान नहीं किसान परेड करेगा आकर के। दोनों ही बेटे किसान के, जवान भी, किसान भी 70 साल से जवान करता है, अब की बार किसान करेगा और ट्रैक्टर चलेंगे असंख्य में। और जिस दिन हम चाहेंगे ये बैरिकेटर, हम पुलिस से टकराना नहीं चाहते, पुलिस हमारे, पुलिस हमारी भाई है, हमारे हम उनसे हिंसा नहीं करना चाहते, और जय जवान और जय किसान के नारे को कलंकित नहीं करना चाहते। नहीं तो ये लोहे की जो बैरिकेटिंग है हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तोड़ना, हम बैठे हैं बॉर्डर पर, यानी हमारी मांग तो जब मानेगी पुलिस, अभी तो हमें दिल्ली में घुसने देने कोई तैयार नहीं है। हम लोगों से कहते हैं मोदी जी के ये कहां से आ गए गंदे लोग, इन्हें भगाओ, इनमें से बदबू आती है, इनमें के पसीने में से बदबू आती है। तो भाई मोदी जी हमारा पैदा किया हुआ रोटी काय को खाते हो, उसमें से नहीं आती बदबू? गेहूं क्यों खाते भाई?
70% किसान ने मोदी जी को वोट दिया है, हमें हक है अपने देश की सरकार से सवाल करने का। लेकिन ये गूंगी और अंधी बहरी जो सरकार है ना, इसके आंखों कानों का आंखों का मैल निकालना पड़ेगा। और चाहे जो हो, 8 को भारत बंद है और 9 तारीख तक यदि समाधान नहीं हुआ तो रास्ते दूसरे अपनाए जाएंगे। ये कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब कि बीन का और अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना, यानी जो भैंस है वो से बीन का कोई अर्थ नहीं जानता। नाग और नागिन तो जानते हैं, वो नाचते हैं, लेकिन भीष के भैंस के आगे बजाए जाओ। और इसका उदाहरण एक बहुत बड़ी बात है कि 27-26 तारीख से किसानों का आंदोलन लाखों की तादाद में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा मर रहा है किसान दिल्ली के सरहदों पर, और मोदी जी 30 तारीख में बनारस में जाकर नाच देख रहे हैं। कहावत है इतिहास के अंदर कि रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। तो ये नहीं होने देंगे। हम प्रधानमंत्री जी और सरकार के आंख कान खोलने आए हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बिल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये किसानों का हित वाला बिल, भाई हमें नहीं चाहिए। ये हमारे गले के लिए फांसी का फंदा है, हम अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डलने देंगे। किसान इतना लाचार नहीं है, वो झुकना जानता है लेकिन इतना नहीं झुकता कि कोई उसकी कमर पर पैर रख के पायदान बना करके निकल जाए। उनके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी और अंबानी को वादा कर दिया कि तुम्हारे लिए मजे की खीर लेके आ रहे हैं, अपना मारना मलाई मारना, यानी हमारा खून चूस चूस करके मोदी जी ने ये वादा किया अडानी अंबानी से कि इस देश के किसान के शरीर में जो थोड़ा बहुत बकाया खून बचा है उसे सिरंजों से निकलवा निकलवा करके, इंजेक्शन से निकलवा निकलवा करके तुम्हारे यहाँ पहुँचाऊंगा, और तुम्हारे जो पेट मोटे मोटे हैं उन्हें और मोटे करूंगा। इन मोदी जी को पता है मूंगफली कौन से पेड़ पे लगे, इन्हें पता करेला जमीन में हो का ऊपर हो, इन्हें ना कुछ भी खबर। इन्हें गाय और भैंस, काले रंग की गाय और भैंस दोनों को बराबर खड़ा करके देख दो, यदि ये बता दे भैंस ये और गाय ये है, इनको ना कुछ भी, इन्हें यही पता ना लाल मिर्च और हरी मिर्च कौन कौन से पेड़ पे लगे। इनसे यदि पूछने लगे ना हम कि जी लाल मिर्च तेज बिक रही है, हरी मिर्च मंदी बिक रही है, तो मोदी जी कहेंगे जी लाल मिर्च ही बो हरी बो ही काय को रहे हो। इन्हें ये पता ना हरी की लाल बने जाए के लास्ट में। अनपढ़ जो शिक्षा मंत्री बनता है इस देश में, और जिसने बंदूक की शक्ल ना देखी वो रक्षा मंत्री बनता है। वार है मेरे भारत के लोकतंत्र, और फिर ढिंडोरा या पीटना है का देश का बहुत महान लोकतंत्र है। इन लोकतंत्र वालों की निकालनी है हवा। हम यदि फर्श से अर्श पे पहुंचाना जानते तो अर्श से फर्श पे गेर डालना भी जानते, जवाब देना पड़ेगा सरकार को। नजरअंदाज नहीं कर सकते 80% किसान को, हमें नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें मोदी जी, नहीं तो नाम लेवा और पानी देवा ना बचेगा इस देश में कोई भी आपको। हाँ, मेरा नाम राजीव मलिक है जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।